वंदो गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूपरी महामोहतम पुंज जासु बचन रवि कर निकल। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की। अव्यक्त रूप में अनंत श्री विभूषित परमाराध्य ब्रह्मलीन गुरुदेव के त्रैलोक पावन पाद पद्मों में कोटि कोटि नमन। गुरुदेव के मस्तिष्क स्वरूप ब्रह्मलीन पूज्यपाद महर्षि संत सभी ब्रह्मन जी महाराज, उनके हृदय स्वरूप पूज्यपाद ब्रह्मलीन महर्षि साई स्वामी जी महाराज तथा संत मत के वर्तमान आचार्य महर्षि हरनंदन परमहंस जी महाराज, मंच पर विराजमान गुरुदेव के मानस पुत्र पूज्यपाद गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज तथा पूज्य स्वामी प्रमोद दास जी महाराज के चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। मंच पर विराजमान परम श्रद्धेय गुरुजन, सत्संग प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं बहनों, सत्संग के ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए सभी गुरु भक्तों का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, सबों को नमन करता हूँ, सबों को प्रणाम करता हूँ। अभी आप लोगों ने रामचरितमानस सार सटीक षष्ठ सोपान लंका कांड से धर्मरथ की बात सुन रहे थे। त्रेता युग में ऐसा घमासान युद्ध नहीं हुआ जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच में हुआ था। खून की धारा बह गई थी। और रावण बहुत बलवान भी था, जिसको मारने में भगवान श्री राम को भी बड़ा पुरुषार्थ करना पड़ा था। अभी सुन रहे थे, अगर मैं उसी बात को कहूँगा तो पुनरावृत्ति हो जाएगी, क्योंकि अभी हमारे आदरणीय स्वामी नरेशानंद जी महाराज, स्वामी निपुणानंद जी महाराज तथा स्वामी नंदन बाबा से उसी चौपाई की व्याख्या आप लोगों ने सुना। मैं थोड़ी सी बात कहूँगा। इतना वीर था दशानन रावण, 33 कोटि देवी देवताओं को बांध करके रखा था, शनि भगवान को उल्टा लटका के रखा था। चले रावण डोले धरनी, जब रावण चलता था तो धरती कांपती थी, इतना वीर था रावण। अभी लंका कांड सुन रहे थे, इस लंका के निर्माण किसने कराया था जानते हैं? आप बता सकते हैं? क्या रावण ने करवाया था? नहीं नहीं, ये भगवान शंकर ने लंका का निर्माण करवाया था। और किसके माध्यम से बनवाया था जानते हैं? विश्वकर्मा जी महाराज। विश्वकर्मा जी महाराज ने अपने हाथों से, अपने कारीगरी द्वारा लंकापुरी का निर्माण किया था। विश्वकर्मा, विश्वम करोति इति विश्वकर्मा। तो विश्वकर्मा जी महाराज क्या क्या बनाया जानते हैं? स्वर्गपुरी, देवताओं का जो स्वर्ग है, इसका निर्माण विश्वकर्मा जी ने करवाया था। और क्या बनवाया? लंकापुरी, द्वारिकापुरी, सुदामापुरी, इन सारी पुरियों का निर्माण करवाया था। और भगवान के हाथ में जो सुदर्शन चक्र है, इसका निर्माण भी विश्वकर्मा जी ने करवाया था। ये पुराणों में पढ़िएगा आप, पुराणों में इसकी चर्चा मिलती है। अभी सुन रहे थे,
युद्ध हुआ भगवान श्री राम और दशानन रावण के बीच में। रावण के पास कौन सा रथ है? अधर्म रूपी रथ है। रथ पर विराजमान है रावण, रथ तो जरूर है लेकिन अधर्म रूपी रथ पर बैठा है रावण। लेकिन भगवान श्री राम के पैर में जूता चप्पल भी नहीं है, नंगे पैर खड़े हैं श्री राम रणभूमि में। विभीषण भगवान का परम भक्त है, कहता है कृपा निधान, रावण रण में बड़ा कुशल है, बड़ा बलवान है, वीर योद्धा है, आप इसे कैसे पराजित करेंगे रणभूमि में? कहते हैं प्रभु श्री राम, हे विभीषण, यह धर्म रूपी रथ पर बैठा है लेकिन मैं धर्म रूपी रथ पर बैठा हूं। सौरज धीरज तेह रथ चाका, सत्यशील दृढ़ध्वजा पताका। सौरज सूरता वीरता, धीरज धैर्य, मैं जिस रथ पर बैठा हूं आप रथ देखे होंगे तो रथ में ध्वजा लगा रहता है ऊपर में और डंडा के माध्यम से डंडा में वो झंडा लगा रहता है। अगर डंडा नहीं हो तो झंडा लगेगा? नहीं लग सकता है। एक तो मैं सत्य रूपी रथ पर बैठा हूं। अरे भाई, हमारा रथ इतना बलवान है, इतना मजबूत है, ये धर्मरथ है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूं और मैं सील का पालन करता हूं। रावण तो सील का पालन नहीं करता, रावण तो जानकी का हरण किया, स्वर्ग की कन्याओं का हरण किया, कितने राजाओं की कन्याओं का हरण किया, असुरों की कन्याओं का हरण किया। रावण तो शीलहीन है, इसलिए उसको मैं जीत लूंगा, कहने की बहुत बात है। जो शीलवान होते हैं वो सदा शक्ति पर रहते हैं, वो भी विचार चोरी निशा हिंसा झूठ से अलग रहते हैं। शीलहीन व्यक्ति की नजर पराई नारी पर होती है, पराई धन पर होता है। एक सज्जन था, कुसंगति में पड़ गया, उसका प्रेम एक लड़की के साथ हो गया, धीरे धीरे प्रेम में बनता चला गया, आसक्ति में पड़ता गया, उसकी शक्ति क्षय हो गई। जैसे कोई जुआरी होता है, जुआ में सब कुछ हार जाता है, उसके पास कुछ बचता नहीं है, उसका मन दिमाग काम नहीं करने लगा, उसकी शक्ति ऊर्जा खत्म हो गई। ऐसे समझिए, उसका मित्र एक बार ले गया मार्केट में, बाजार में सामान खरीदने के लिए। वो चला गया बाजार में सामान खरीदने के लिए, पैसे बहुत थे, बहुत सारा सामान खरीद लिया। दूसरा दिन फिर दारू पिला कर ले गया, फिर गया वहाँ, पर्स खोल करके देखता है तो थोड़े से पैसे हैं। सोचा, अरे सब पैसे तो मैंने पानी की तरह बहा दिया, अब थोड़ा सा पैसा बच गया है, खर्च चलाने हैं, हमारे बाल बच्चे भी हैं, उसका पालन भी करना है। तीसरा बार फिर कहा चलो शराब पीने के लिए, अपने प्रेमी से मिलने के लिए, उसे नफरत हो गया। अरे प्यार करने वाले लोगों, तुम्हें भी नफरत हो जाएगा, वैसा होगा जब तुम्हारे पर्स में पैसे नहीं होंगे, तुम्हारे सिर में चक्कर आएगा, तुम्हारे मन में अशांति हो जाएगी और उससे तो नफरत हो जाएगा। जिससे तुम प्रेम करते हो, प्रेम उससे करो, उस परम पिता परमात्मा से करो, प्रेम उस सदगुरु से करो, जिससे प्रेम हो जाने के बाद तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। कहने का बहुत बात है। पूज्यपाद स्वामी परमो जी महाराज बाहर जाने वाले, गुरु से भी भगीरथ दास जी महाराज विराजमान है, इन दोनों महापुरुषों के श्री चरणों में नमन करता हूँ, सभी गुरुजनों को नमन करता हूँ। अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूँ।
बोलिए प्रेम से, श्री सद्गुरु महाराज की जय।